नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका खबरी विशेष में। आज खबरी विशेष में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड राइनो डे के बारे में। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ल्ड राइनो डे है। आज के एपिसोड में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएँ हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड राइनोज डे हर साल 22 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य राइनोज के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व राइनोज डे पहली बार 22 सितंबर 2011 को मनाया गया था, लेकिन पहली बार विश्व वन्य जीव दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2010 में घोषित किया गया था। इसने 2011 में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए जिम्बाब्वे में चिशक्वे रेंज के लीसा जॉन कैम्बेल और श्रीजा कोटा के संयुक्त प्रयास को लिया। राइनोस की प्रजातियों के अवैध शिकार की बढ़ती दरों के साथ राइनोस के अवैध शिकार को रोकने और संभवत लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करने के प्रभावी तरीकों की तलाश करने के लिए कारण संबंधित संगठनों, वन्य जीव संरक्षण केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और संबंधित व्यक्तियों को एक साथ बुलाना अनिवार्य था। अमेरिका के लॉर्सन इन दिनों राइनोस की 5 प्रजातियों का जश्न मनाता है जो अभी भी पृथ्वी में जीवित हैं, और उनके सामने आने वाले खतरों को उजागर करने के लिए राइनोस के सींग से जुड़े मिथकों को दूर करके इनकी सींगों की वैश्विक मांग को खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। सबसे परिचित भारतीय राइनोस भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। उनमें से अधिकांश ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ असम से चुने हुए संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं। अफ्रीका के सफ़ेद राइनोस राइनोस की सबसे बड़ी प्रजाति हैं और अफ्रीका के दक्षिणी भाग में 5 देशों अर्थात दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, केन्या और युगांडा में इस प्रजाति की लगभग पूरी आबादी है। एक छोटी सी प्रस्तुति वर्ल्ड राइनो डे के ऊपर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अगर ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।